Hello children, how are you? I hope you are fine. Today we are going to study short stories. Short stories name is The Greedy Dog. आज हम The Greedy Dog के बारे में पढ़ाई करेंगे. आज हम एक लालची कुत्ते के बारे में पढ़ाई करेंगे, जानकारी लेंगे. One day a dog was passing by a river. एक दिन एक कुत्ता रिवर को, नदी को पार कर रहा था. He had a bone in his mouth. उसके मुंह में एक हड्डी थी. One day a dog was passing by a river. He had a bone in his mouth. एक दिन एक कुत्ता नदी को पार कर रहा था. उसके मुंह में एक हड्डी थी. He looked into the water and saw his own reflection in it. उसने पानी में खुद को देखा. Thinking it was another dog. और वो सोचने लगा कि ये दूसरा कुत्ता है. With a bone, वो भी हड्डी के साथ. He wanted that bone too. और उसे वो दूसरी हड्डी भी चाहिए थी. He looked into the water and saw. He looked into the water. मतलब कुत्ता पानी में देख रहा था. Saw का मीन्स देख रहा था. His own reflection, अपने आप को. In it, thinking it was another dog. और वो सोचने लगा, कुत्ता सोचने लगा कि ये दूसरा कुत्ता है, वो भी हड्डी के साथ. He wanted that bone too. और उसे वो हड्डी भी चाहिए थी. एक तो उसके पास थी ही, पर एक वो सोच रहा था कि जो दूसरे कुत्ते के पास हड्डी है वो भी मैं ले लूँ. सो वो चिल्लाने लगा, भौंकने लगा, बाक करने लगा. कुत्ता भौंकने लगा. The bone in his mouth fell into the water. और जो हड्डी उसके पास थी वो भी पानी में गिर गई. कैसा वो चिल्ला, कुत्ता क्या कर रहा था, भौंकने लगा कि मतलब वो जो दूसरा कुत्ता है उसको भौंक रहा था. ऐसा कुत्ता सोच रहा है कि पानी में एक और कुत्ता है तो उसको भौंकने लगा. जब वो भौंकने लगा तो उसके जो मुंह में हड्डी थी वो भी पानी में गिर गई. से क्या हुआ, जो उसके पास की हड्डी थी वो भी पानी में गिर गई और कुत्ते के पास कुछ नहीं रह गया. और इसने किस वजह से ये किया, क्योंकि इसे लालच आ गई थी. लालच से इंसान का जो अपने पास चीज़ होती है वो भी चली जाती है. इसीलिए कभी भी लालच पना नहीं करना चाहिए, कभी भी ग्रीडीनेस नहीं दिखानी चाहिए. नेवर बी ग्रीडी, कभी भी लालची पना नहीं करना चाहिए. आपको ये स्टोरी कैसी लगी, आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा. बाय.